हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन का भरता की रेसिपी। तो मैं यहाँ बैंगन का भरता कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी, तो चलिए बना लेते हैं। फिर हमें लेना है जाली वाली छलनी, जिसमें हम दो टमाटर रखेंगे और बैंगन को बीच से कट करके रख देंगे। अब हम इन्हें कवर करके 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। इस तरह से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और गैस पे भी हम इनको भूनेंगे। आधा हमने स्टीम कर लिया है और आधा हम गैस पे भून लेंगे। तो हम मीडियम फ्लेम में ही भूनेंगे इनको। इस तरह से हम उलट पुलट करते हुए दोनों साइड भून लेंगे। तो हमने यहाँ बैंगन और टमाटर को भून लिया है। अब हम भूनेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को हमने इस तरीके से रख लिया और हल्का हल्का सा भून लिया है। अब हम इनको रख देंगे साइड में। फिर हमने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल लिया है। तेल जब गर्म हो गया तो हमने उसमें डाला है बारीक किया हुआ लहसुन और साथ ही हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर और 1 मिनट के लिए हम भून लेंगे। फिर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, जिसे हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो प्याज को हम इसी तरीके छोड़ देते हैं जब तक हम देख लेते हैं बैंगन हमारे ठंडे हुए या नहीं। तो बैंगन और टमाटर ठंडे हो चुके हैं। अब हम इनको छील लेंगे और आप इस तरीके से भरता एक बार ज़रूर बना के देखिए। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो हमने यहाँ बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च को अच्छी तरीके से छील लिया है। अब हम 1 चम्मच की मदद से इसे मैश कर लेंगे और आप देख सकते हो ये कितनी अच्छी तरीके से मैश हो रहा है, यानी ये अंदर तलक अच्छे से गल गया है। तो इसी तरीके से हम सारे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो हमने यहाँ बैंगन और टमाटर को अच्छे से फोल्ड कर मिला लिया है। अब हम प्याज को देख लेंगे। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। हमने लिया है यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पका लेंगे और साथ ही हम नमक को ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। अब हम भरते को डाल देंगे, जो हमने टमाटर और बैंगन को फोल्ड कर रखा हुआ था। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप आमचूर पाउडर या सूखी खटाई मिलती है वो डाल दें। तो मैंने यहाँ सूखी खटाई ली है, तो 3 से 4 टुकड़े सूखी खटाई डाल देंगे। सूखी खटाई आप चाहें तो डालें, वरना स्किप कर दें। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि भरता हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।